पंजाब किंग्स की टीम ने ऑक्शन 2022 में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, काफी सारे पैसे भी इन्वेस्ट किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि पंजाब की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि कई सारे लोगों का मानना था कि मयंक अग्रवाल कप्तानी करेंगे। लेकिन अब जो सोर्सेस से बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है, और बहुत ही जबरदस्त सोर्सेस से, आप कहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है रिलायबल सोर्सेस से, उस हिसाब से कहा जा रहा है कि शिखर धवन को इन्होंने तैयार कर लिया है कप्तानी करने के लिए, यानी कि पंजाब किंग्स के जो कप्तान है वो शिखर धवन होंगे, और आने वाले 2 से 3 दिन में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो नसवाडिया है, जब ऑक्शन के पहले दिन उनसे बात किया गया था, जब शिखर धवन को उन्होंने बाय किया था, तो वो भी बड़े खुश थे और उन्होंने कहा कि शिखर धवन बड़े टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और हमारे टीम के साथ जुड़े हैं। जबकि अनिल कुंबले जो वहां पर जो कोच हैं पंजाब किंग्स के, उन्होंने भी स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में यही बात कही थी कि शिखर धवन को सभी रेस्पेक्ट करते हैं और इतने बड़े खिलाड़ी हैं और उनसे जो यंगस्टर हैं वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन अब जो रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि कोच से लेकर जो टीम के प्रमोटर्स हैं सब शिखर धवन को कप्तान बनाने के पक्ष में हैं, यानी कि जो गब्बर है वो कप्तानी करते हुए देख सकते हैं पंजाब किंग्स की। इससे पहले भी गब्बर ने हैदराबाद की कप्तानी की थी, हालांकि वो फेल हो गए थे पूरी तरीके से और बाद में कप्तानी छोड़कर डैरेन सैमी को दे दी थी। लेकिन क्या पंजाब किंग्स जो शिखर धवन को कप्तान बनाने जा रही है, इस बार धवन का जलवा चलेगा, क्या उनकी कप्तानी में पंजाब जो है वो पहली बार आईपीएल का ट्रॉफी जीतने में सफल होगी नहीं होगी, ये हमें देखना दिलचस्प होगा हमारे लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।